मेहरबान कदरदान, माय नेम इज रोहन कृष्ण चौहान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरकेसी ब्लॉग। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी मैं हूँ रामपुर में और अभी मैं रामलीला मैदान में आया हूँ। आज है 24 अक्टूबर, दशहरा। तो मैं आज आपको दशहरे का एक छोटा सा ब्लॉग दिखाने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अंदर मैं जाऊँगा तो हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी कम आए, तो मैं कोशिश करूँगा आपको बैक कैमरे से ही सब कुछ मैं दिखाता रहूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए गाइस, फिर मैं आपसे आगे मिलता हूँ। Thank you.
दुनिया को कि हमेशा अच्छाई ही नहीं करूँ। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ भाजपा है, मुझे ज्यादा नहीं होगा। आज का मानव निवेदा देखने आए हैं, राष्ट्रीय देखने आए हैं। रावण जो है वो बस कुछ ही देर में जलने वाला है, और हमारे साथ हैं साहिल भाई। कैसे हैं आप? बढ़िया। रावण फर्स्ट टाइम बहुत सालों बाद देख रहा हूँ ऐसे चलते हुए। राष्ट्रीय बहुत दूर से देखा था, थोड़ा पास से टाइम से आया हूँ यहाँ पे। पिछली बार थोड़ा लेट भी हो गए थे हम लोग, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए। ये रामपुर में सबसे बड़ा रामलीला मैदान है, सबसे बड़ा। यहाँ पे काफ़ी जगहों से, ब्लॉक से, जितनी भी तहसील है वहाँ से लोग आते हैं आसपास से। और ये मेन ग्राउंड है जो इतना बड़ा है। ये देखिए, ये रावण सामने, और उधर एक और रावण है, शायद कुंभकर्ण है या मेघनाथ है, उधर वो खड़ा है सामने। ये जो है ये रावण है, प्रॉपर रावण। इसकी हाइट शायद 35 फीट या 30 फीट के आसपास हाइट है इसकी। देख सकते हो आतिशबाजी चल रही है ऊपर से लगातार। वहाँ से वो जगह है जहाँ से आतिशबाजी की जा रही है। पब्लिक इंतजार में खड़ी है कि भाई अभी रावण जल जाए फटाफट। तो सब लोग आप देखना, रावण जलते ही भीड़ कम हो जाएगी। दशहरे का ब्लॉग आपने देखा, तो मुझे उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लेंगे इंस्टाग्राम पर, मैंने आरके ब्लॉग। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, तो मत जाना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मैं जी बड़े बड़े वीडियोज़ लाते रहता हूँ। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।